अपने जीवन में एक नियम हमेशा बनाकर रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। नमस्कार, शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा, वैसे तो ये जो मार्च का महीना है ये बहुत ही शुभ व कल्याणकारी रहने वाला है हर राशि के जातकों के लिए, क्योंकि इस महीने में आ रही है महाशिवरात्रि, जिस दिन शिव व शक्ति का मिलन हुआ था। तो महाशिवरात्रि के दिन जो भी भगवान शंकर की पूजा करता है, शक्ति की आराधना करता है, व्रत करता है या रात्रि जागरण करता है, भोले बाबा की कृपा उस पर बनी रहती है। इसी महीने में आ रही है होली, रंगों का त्योहार, और होलिका दहन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई कितनी भी प्रबल हो लेकिन एक दिन उसका नाश होकर रहता है। तो इस मार्च के महीने में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की अपार कृपा हर व्यक्ति पर बनी रहेगी, लेकिन फिर भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का प्रभाव हर राशि पर अलग अलग पड़ने वाला है। तो कौन सी तिथियाँ किस राशि के लिए शुभ हैं और कौन सी अशुभ है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर शुभ तिथियों में हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, जो जो बताया गया है वो हम कार्य करने में लग जाते हैं, तो सब मंगल ही मंगल होता है। और जो अशुभ तिथियां हैं उनमें हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। धैर्य और शांति से अगर हम कार्य करेंगे तो वो अशुभ तिथियां भी हमारे लिए शुभ ही रहे। आइए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए ये मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। तो शुभ तिथियां हैं 2, 3, 4, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 30, 31। तो ये तिथियां बड़ी ही लाभदायक, कल्याणकारी, मंगलकारी और शुभ रहने वाली हैं। कन्या राशि वालों के लिए यह महीना खुशनुमा, शुभ व लाभप्रद रहेगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ मिलने से मन उत्साहित रहेगा, बनाई गई योजनाएं सफल रहेंगी, मनोवांछित फल मिलेंगे, सितारे बुलंदियों को छूते हुए दिखाई देंगे। सकारात्मक परिणाम मिलने से खुशी होगी, सहयोग व समन्वय बना रहेगा। घर में नए मेहमान का आगमन भी हो सकता है। कामकाज में प्रगति होने से मन प्रसन्न रहेगा, आमदनी में वृद्धि के योग बन रहे हैं। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, मित्रों व सहयोगियों से सहायता मिलेगी, सच्चाई की राह पर चलकर जीत हासिल कर लेंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व सहयोग मिलेगा, व्यापारिक क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। कामयाबी आपके सपनों को साकार करेगी। अविवाहित जातकों के लिए रिश्ते की बात भी चलने वाली है। सोचे गए सभी कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। रुके हुए रुपए व पैसों की अचानक प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत बनने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ तिथियां अशुभ हैं, वो हैं 7, 8, 16, 17, 18, 26 व 27। तो ये आपके लिए प्रतिकूल रहेंगी और अशुभ रहेंगी। इन दिनों में सावधान रहें, स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी आ सकती है, कोई अनहोनी घटना घट सकती है, यात्रा अशुभ रहेगी इसलिए यात्रा न करें, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, यह समय कठिनाइयों से भरा रहेगा इसलिए धैर्य व शांति बनाए रखें। किसी की संगति करने से पहले हजार बार सोचें, नहीं तो कठिनाई में फंस जाओगे। क्रोध पर नियंत्रण रखें, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो बहुत ज्यादा ऐसे संकट में फंस जाओगे कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आर्थिक मंदी कामकाज को भी बाधित करेगी। तो मार्च का महीना आप सबके लिए शुभ, कल्याणकारी व मंगलदायक हो, यही हम सबकी भगवान से प्रार्थना है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।